दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। आपके गले में खराश है क्या? ये कोरोना की वजह से तो नहीं ना है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं, आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत 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 कम है। तो इस निगेटिविटी को आपको जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। और रही बात आपके गले की, दर्द की, खराश की, तो अगर ये कोरोना वायरस नहीं भी होता तो भी हमारा वेदर चेंज हो रहा है, और चेंज होने की वजह से हमें कुछ थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सी बात है। तो आप क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे कि आपका जो गले का खराश है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं उन पर्सन के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ, जैसे आप हनी और लेमन जूस को मिक्स कर लीजिए ल्यूक वार्म वाटर में, और उसे दिन भर आप गार्गल करें। अगर देखिए, अभी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो मे भी बहुत लोगों को हनी, लेमन ये सब अवेलेबल नहीं हो, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि गर्म पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच नमक डालिए और सुबह गार्गल करिए, शाम में गार्गल करिए, और देखिए आपका गले का खराश कैसे दूर हो जाता है। ये तो हुई डाइट कॉन्शियस लोगों की बात। अब मैं एक टिप्स बता रही हूँ जो कि डाइट कॉन्शियस लोग हैं, सॉरी, जो थोड़े से डाइट अनकॉन्शियस हैं, उनके डाइट में थोड़ा घी वगैरह चल जाता है, उनके लिए ये टिप्स है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप घी वगैरह थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं अपने डाइट में, तो उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टिप्स है जो कि मेरी मम्मी, हमारे सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके लिए यूज़ करती है। नाक बंद करती है, सीधे पिला देती है, और दूसरे चम्मच की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना असरदार होता है वो। तो आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा घी ले लेना है, उसमें आपको अदरक को ग्रेट कर देना है, और जिस तरह से छौंक लगाते हैं उसी तरह से उसको पका लेना है घी के अंदर। अब घी के अंदर जो उसका पूरा अर्क आ जाएगा, तो आप उसको छान लीजिए घी को, और एक छोटा टेबलस्पून चम्मच से आप उसको नाक बंद करके गटक लीजिए। देख लीजिएगा, एक चम्मच के बाद आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे चम्मच की। आपको देखिए, ऐसे बॉडी टू बॉडी पर्सन का अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी का जल्दी नहीं ठीक हुआ, उनके लिए है कि मे बी दो स्पून तक जा सकता है, बट डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आपका एक चम्मच के अंदर ही सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये तो आपकी गले की खराश की जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो असली सिम्टम्स है अगर आप समझना चाहें कोरोना वायरस का, वो होता है कि अगर आपके गले में तेज़ दर्द है, खराश के साथ साथ सूखी खांसी के साथ साथ तेज़ दर्द है, या फिर आपको बहुत दिनों से बुखार भी है, आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, आपने पारासीटामोल भी लिया, या फिर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपको बुखार आ रहा है, और वर्स्ट केस में आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो ये होता है रियल कोरोना का सिम्टम। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, उनका पालन करिए, और देखिएगा कि आपका, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और दुआ करिए भगवान से कि ये जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस पूरे विश्व से चला जाए, हम लोग कोरोना की जंग जीत जाएं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक और बात, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट इतना मुझे अच्छा लगता है ना, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रही हूँ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।